हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इवोल्यूशन का, जहाँ से हमारा टॉपिक खत्म हुआ था, एंड हुआ था, उसके आगे स्टार्ट करते हैं। लेमार की थ्योरी तक हमने पढ़ लिया था। मेरे पास बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि मैम आप वीडियो क्यों नहीं भेज रही हैं, तो आई एम रियली सॉरी कि 3 दिन 4 दिन जो भी मिस रहा मेरा क्लास, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। वीडियोज़ मैं बनाती रहूँगी, चाहे एक बच्चे देखें या 1 लाख बच्चे देखें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उतनी ही डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो जो नहीं आया वो उसके पीछे कुछ रीज़न था, तो अब आएगी, क्लासेस कंटिन्यू आएगी। आज हम लोग देखते हैं नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझेंगे। एक्चुअली में नेचुरल सिलेक्शन है क्या, पहले ये थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, जो प्रकृति होती है, जो नेचर होती है, वो हर स्पीशीज में से जो सबसे फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको सेलेक्ट करती है नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए, अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू रखने के लिए, रिप्रोडक्शन करने के लिए, अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए। ये अगर हम सिंपल से एग्जाम्पल दें, तो आपने कोरोना के केस में देखा होगा कि कोरोना में क्या था भाई। कोरोना जैसी बीमारी, महामारी जब फैली, तो उसमें बहुत सारे लोग की डेथ हुई, बहुत सारे लोग मरे, और बहुत सारे लोग उससे मतलब विजय प्राप्त हुए उस बीमारी पे, उन्होंने जीत हासिल की और वो फिट थे। यानी कि आप कह सकते हैं कि जिसका इम्यून सिस्टम सबसे स्ट्रांग था, उसको नेचर ने सेलेक्ट किया कि ये यू आर सिलेक्टेड, यू आर गोइंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। और जो सर्वाइवल करने के योग्य नहीं थे, जिनकी इम्यून सिस्टम वीक थी, वो जो है उसमें चले गए कोरोना में। मतलब ये एक सिंपल एग्जांपल है। तो ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा गया है कि जो नेचर होती है बहुत सारी स्पीशीज को सेलेक्ट करती है नेक्स्ट जनरेशन में जाने के लिए, और कई स्पीशीज को वो नेचर सेलेक्ट नहीं करती। कहीं ना कहीं वो सर्वाइव करने के लिए योग्य नहीं होते, तो उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, वो विलुप्त हो जाते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन को समझने के लिए हमें बहुत अच्छा एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, इंडस्ट्रियल मेलनिज्म, ठीक है। इसमें एक मॉथ का, एक कीड़े का एग्जाम्पल दिया गया है। और ये कहाँ पे, कहाँ का ये एग्जाम्पल है, ये इंग्लैंड में एक प्लेस है, आई थिंक बर्मिंघम करके कोई प्लेस है इंग्लैंड में, वहाँ पे जंगलों में इसको देखा गया था 19th सेंचुरी में। यहाँ पे क्या देखा गया है, जैसे कि ये प्लांट्स हैं, ये पेड़ हैं, वो जंगलों में क्या है, पेड़ है। तो वहाँ पे इंग्लैंड में जब 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, मतलब वहाँ पे इंडस्ट्रीज नहीं थी, उस समय लाइकेन बहुत ग्रो करते थे, ठीक है। वहां पे लाइकेन की संख्या बहुत थी, क्योंकि हम जानते हैं जो लाइकेन होते हैं वो पॉल्यूशन से बड़े सेंसिटिव होते हैं। जिस भी एरिया में पॉल्यूशन ज्यादा होगा वहां पे लाइकेन ग्रो नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब तक यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था, जब तक यहाँ पे औद्योगिकीकरण नहीं डेवलप हुआ था, तब तक यहाँ पे लाइकेन बहुत अच्छी मात्रा में ग्रो कर रहे थे। जैसे ये पेड़ है, ठीक है, ये जंगल है, तो इन जंगलों के ये जो ये बार्क है, यहाँ पे खूब सारे लाइकेन इसमें लगे हुए थे। मतलब इसमें इतना लाइकेन ग्रो किया था कि पूरी ये जो शूट थी प्लांट की वो ग्रे कलर की दिखने लगती थी। कैसे दिखती थी, ग्रे, क्यों, क्योंकि लाइकेन का कलर कैसा होता है, ग्रे होता है। अब इसमें एक तरह के स्पेशल तरह के कीड़े थे, मॉथ थे, जो इसमें पाए जाते थे, उनका भी कलर कैसा था, ग्रे कलर, वो भी ग्रे कलर के थे। और इनका साइंटिफिक नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बिस्टन बैटुलेरिया नाम के ग्रे कलर के मॉथ अच्छे खासे खूब डेवलप कर रहे थे, प्लेंटी अमाउंट थी इनकी, मतलब बहुत ज्यादा थे। और उसी में कुछ कुछ मॉथ ऐसे थे जिनका ग्रे कलर ना होके ब्लैक कलर था, मतलब ब्लैक कलर के भी मॉथ थे, लेकिन इनकी संख्या फ्यू थी। क्यों इनकी संख्या फ्यू थी, अभी हम देखते हैं। इनका साइंटिफिक नेम था बिस्टन कार्बोनेरिया, जो ब्लैक कलर का था वो बिस्टन कार्बोनेरिया था, जो ग्रे कलर का था उसका नाम था बिस्टन बैटुलेरिया, ओके। अब होता क्या था कि इनको जो है, जो बर्ड्स होती थी, इनके जो प्रे होते थे वो बर्ड्स थे, मतलब इनको चिड़िया खाती थी। तो अब जैसे आसमान से चिड़िया उड़ते उड़ते आई, अब वो इसको खाने के लिए मौत को ढूंढ रही है यहाँ पे कि मौत कहाँ है, मौत कहाँ है। तो आपको पता है कि पूरा बैकग्राउंड कैसा हो रखा है, ब्लैक ग्रे कलर का हो रखा है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्लेंटी ऑफ द लाइकेन। यहाँ पे लाइकेन की इतनी ग्रोथ है कि ये पूरा बैकग्राउंड आपको कैसा है, ग्रे कलर का, और इसमें ये मौत बैठे हैं, ठीक है। अभी जो मौत बैठे हैं इसमें कुछ ग्रे कलर के मौत भी हैं और कुछ ब्लैक कलर के भी मौत हैं। अब आप बताइए कि कौन सा आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा, जब बर्ड आएगी उड़ते हुए खाने के लिए अपने शिकार को, तो कौन सा आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा, ब्लैक वाला आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा। मेरे पास अभी ब्लैक मार्कर नहीं है, तो आप ऐसे इमेजिन कर लो, तो ब्लैक वाला आसानी से डिटेक्ट हो जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड कैसा है, ग्रे है, लाइकेन है वहां पे, और मौत भी कैसे है, ग्रे है। तो ग्रे वाला तो अपने आप को आसानी से उसमें छुपा लेगा, जिसको हम कैमोफ्लेक कहते हैं। अगर आप अपने बैकग्राउंड के साथ अपने आप को छिपा ले जाते हैं ना, जैसे गिरगिट करते हैं, वो गिरगिट ही तो करते हैं ना, रंग बदलते हैं, हाँ, तो गिरगिट करता है, तो वैसे ग्रे वाले को तो बर्ड नहीं पहचान पाएगी, लेकिन ब्लैक वाले को आसानी से वो डिटेक्ट कर लेती थी और ब्लैक वाले को आसानी से खा
खा लेती थी। तो इस तरीके से क्या होने लगा कि ब्लैक वालों की संख्या कम होने लगी और ग्रे मॉथ प्लेंटी होने लगे, ग्रे मॉथ डेवलप करते चले गए। तो हमने बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन देखा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जब इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई थी वहां पे, तो एक सेकेंड, जब इंडस्ट्रीज डेवलप नहीं हुई थी तो ग्रे कलर वाले मॉथ आसानी से अपने आप को लाइकेन के बीच में छिपा लेते थे क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं था, और ब्लैक वाले डिटेक्ट हो जाते थे, बर्ड इनको अपना शिकार बना लेती थी। लेकिन अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद मतलब औद्योगिकीकरण के बाद क्या हुआ होगा, पॉल्यूशन बढ़ा, पॉल्यूशन इंक्रीज हुआ, पॉल्यूशन इंक्रीज होने से लाइकेन की ग्रोथ कम हो गई क्योंकि लाइकेन जो होते हैं वो पॉल्यूशन में ग्रो नहीं कर पाते। अब जब लाइकेन, यहाँ जितने भी लाइकेन लगे थे सब खत्म हो गए, मर गए, तो ये जो ट्री का जो बार्क था ये ब्लैक कलर का हो गया क्योंकि नेचुरली जो ट्री का बार्क होता है वो ब्लैक कलर का होता है। ब्लैक कलर में जो ब्लैक माउथ होंगे वो आसानी से अब छिपे रहेंगे उसमें, और जो ग्रे वाले मॉथ होंगे वो डिटेक्ट हो जाएंगे, इनको पहचान लेगी बर्ड। जब बर्ड आएगी अपना शिकार पकड़ने तो ब्लैक वाले को नहीं पहचान पाएगी क्योंकि ब्लैक वाला उसमें छिपा रहेगा, लेकिन अब ग्रे वाले को डिटेक्ट कर लेगी। तो इसकी वजह से क्या हुआ, फिर से ब्लैक माउथ जो है, क्योंकि लाइकेन खत्म हो गया तो ब्लैक माउथ को तो अब नहीं पहचान पाएगी बर्ड, तो ब्लैक माउथ की संख्या बढ़ने लगी और ग्रे वाले जो है क्या होने लगे, कम होने लगे। ठीक है, पहले क्या था, ब्लैक वाले फ्यू थे और ग्रे वाले प्लेंटी थे। अब ग्रे वाले फ्यू हो गए, ये कम होने लगे, और ब्लैक वाले प्लेंटी होने लगे। ठीक है, फिर एक और चीज आया कि इंडस्ट्री के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस इलेक्ट्रिसिटी। ओके, जब इलेक्ट्रिसिटी से इंडस्ट्रीज चलने लगी तो फिर से पोल्यूशन कम होने गया क्योंकि पहले जो इंडस्ट्रीज थी वो कोयले वगैरह से चल रही थी तो उसे धुआं निकलता था, स्मोक निकलता था, पोल्यूशन होता था। लेकिन अब इंडस्ट्रीज किससे चलने लगी, इलेक्ट्रिसिटी से। तो जब इलेक्ट्रिसिटी से चलने लगी तो फिर से अगेन पॉल्यूशन कम हुआ, पॉल्यूशन कम हुआ तो किसकी ग्रोथ बढ़ी, लाइकेन की ग्रोथ बढ़ी, है ना। लाइकेन की ग्रोथ बढ़ने की वजह से, क्योंकि जहां पे पोल्यूशन नहीं होगा वहां लाइकेन ग्रोथ करेंगे। अब लाइकेन ग्रो होते हैं तो लाइकेन ग्रे कलर के होते हैं, तो ग्रे में ग्रे कलर छिप जाएगा और ब्लैक वाला बेचारा पकड़ा जाएगा, तो फिर अगेन ग्रे की संख्या बढ़ने लगेगी, ग्रे मॉथ इंक्रीज होने लगेंगे और ब्लैक मॉथ क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे। इसी को हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, यानी जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो सेलेक्ट कर रही है कि ग्रे वाला सर्वाइव करेगा या ब्लैक वाला सर्वाइव करेगा। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।